अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं टीचर बाजी प्रो। कैसे हैं आप लोग मेरे यूट्यूब के सारे दोस्त फ्रेंड, और कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सारे के सारे अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। तो देखेंगे, मैं आज आपको ये जो है ये कलियाँ काटना बताऊँगी, खुराक की कलियाँ किस तरह कटती हैं। गर्मी भी बड़ी शदीद है और इतनी गर्मी में काम जो है करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बड़ी मुश्किल से जो है मैं काम अपने जो है शॉप पे करती हूँ। तो शादी का काम किसी का लगाया हुआ था, तो मैंने कहा चले आपको फ्राक की कलियाँ काटना बताऊँगी, फ्राक की कलियाँ किस तरह कटती हैं। ये देखेंगे, ये मैं कपड़ा है मेरे पास और मैंने इसको ये डबल कर लिया। ये देखें डबल, ये किनारा है इसका और मैंने इसको कपड़े को डबल कर लिया। ये देखें डबल करके मैंने इसको बिछा लिया। ये आपके सामने हमें तकरीबन 16 इंच कली चाहिए, क्योंकि छोटी बच्चियाँ हैं। बड़ी कलियाँ तो जो है काटी है मैंने, लेकिन मैंने कहा कि आपको कलियाँ काटना भी बताऊँ, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, कली का काटने का तरीका जो है एक ही होता है। बस थोड़ा सा चौड़ाई में जो होता है वो इजाफा करते हैं हम, बड़े जो लेडीज़ फ्राकें होती हैं उनकी हम चौड़ाई में कलियों में इजाफा कर देते हैं। वो आप पे भी डिपेंड करता है कि आप कम रखना चाहती हैं क्या ज़्यादा रखना चाहती हैं, ये आप पे भी डिपेंड करता है और कपड़े पे भी डिपेंड करता है कि आपके पास कितना कपड़ा अवेलेबल है। तो ये देखें कि ये जो एक पूरी फ्राक होती है कलियों वाली, एक लेडीज़ की फ्राक में तकरीबन 2 सूट का कपड़ा लगता है। ऐसे 2 सूट क्रिंकल में हों तो 2 सूट में एक फ्राक सिर्फ बनती है। तो मेरी फ्राकें पहले चैनल पर डली हुई हैं, तो आप उनको भी देखा करें ताकि आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। बहुत खूबसूरत मैंने फ्राकें डाली है, इसी तरह की कलियों में सी के मैंने जो फ्राकें डाली हैं उनको आप सर्च किया करें। मेरी पहले वीडियो बहुत बहुत अच्छी हैं और उनमें बहुत बहुत प्यारी फ्राकें हैं, आप उनको देखा करें। अच्छा, आप ये देखें कि हमें तकरीबन 16 इंच कली चाहिए। ये देखें कि हमारे पास 16 इंच हमारे पास कपड़ा मौजूद है। ये देखें और बिल्कुल मैंने इसको इक्वल करके रख लिया। ये देखें कि आपको नज़र आ रहा होगा इधर से भी इक्वल है, इधर से भी इक्वल है। तो कली काटने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप, मैंने जैसे आप डबल करके रखे तो हमारी डबल कली कट के जाएगी। सबसे पहले आप किनारे के ऊपर से इसको रखें 3 को और 3 इंच आपने यहाँ से इसको छोड़ देना है। छोड़ने के बाद आपने क्या करना है कि इस कोने वाले पॉइंट को आपने इसको 3 से मिला देना है। ये देखें कि हमने इसको 3 से मिला रही हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें मैंने 3 से मिला दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, ये मैंने 3 इंच लिया है। ये देखें आपके लिए परेशानी ना हो, ये देखें मैंने 3 इंच पे निशान लगाया और इसको मैंने इस कोने से, इस पॉइंट को मैंने इस कोने से मिला दिया। उसके बाद हमने नीचे से जो कली की चौड़ाई लेनी है वो तकरीबन 10 इंच लेनी है। ये हमारा इतना सा कोना हमारा झड़ जाएगा, हम इसको कैंची से झाड़ देंगे। बाकी हमारा ये देखें 10, और ये मैंने लगाया पॉइंट। पॉइंट लगाने के बाद हम यहाँ से जो ऊपर वाली कमर वाली साइड है यहाँ से हम तकरीबन लेंगे 2 इंच। ये देखें मैंने 2 इंच पे रखा है इंची टेप को और ये 2 इंच पे मैंने इसको निशान लगा लिया। लगाने के बाद आपने जो ये वाला पॉइंट लगाया है और ये वाला पॉइंट है ऊपर कमर वाला, नीचे घेर वाला पॉइंट और ऊपर कमर वाले पॉइंट को आपस में आप ज्वाइंट कर दें। कली हमेशा एक रुख में नहीं कटती, कली हमेशा अपोजिट में कटती है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि कली कभी भी एक रुख पर नहीं काटी जाएगा, क्योंकि एक रुख पर काटने से कपड़ा बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है और वो कटती भी नहीं है सही। तो ये देखें मैंने फिर यहाँ से आपके सामने अभी 2 इंच लिया है और ये देखें कि मैंने 10 इंच पे ये निशान लगाया। 10 इंच पे निशान लगाने के बाद इस पॉइंट को मैंने इस पॉइंट से मिला दिया। इस फ्राक की बॉडी तकरीबन मैंने 9 इंच ली है, क्योंकि वो छोटी बच्ची है तो उसकी मैंने तकरीबन फ्राक जो है ये 22 इंच तैयार लानी है। 22 इंच मैंने इसकी फ्राक तैयार लानी है। तो मैंने क्या किया है कि 16 इंच देखे मैंने इसकी कली ली है 16.5 पे और तकरीबन 9 इंच मैंने इसकी बॉडी जो है इसके साथ ज्वाइंट करूँगी तैयार बॉडी। तो मैंने उसको कटिंग में लिया है तकरीबन 11 इंच, क्योंकि वो सिलाई में भी आएगी और कटाई में भी आएगी। ये देखें 10 इंच तो निशान लगाया आपके सामने मैंने और यहाँ से मैंने इसको 2 इंच पे निशान लगाया। ये देखें 2 इंच पे निशान लगाने के बाद आपने उस पॉइंट को इससे मिला देना है। ये देखें थोड़ा सा कली काटने के लिए हाथ लंबा करना पड़ता है, क्योंकि कलियाँ ताकि एक जैसी कट के जाएँ। अब ये देखें कि आपके सामने मैंने ये सारे के सारे कलियों के निशान लगाए हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे कलियों के सारे निशान मैंने लगाए हैं। अब मैं आपके सामने इनको कट करूँगी। ये एक्स्ट्रा पीस जो सबसे पहले हम पॉइंट लगाते हैं इसको हमने काट के फेंक देना है। ये देखें मैंने हटा दिया ये काट के। उसके बाद ये देखें कि जो मैंने पॉइंट लगाया है आपके सामने, मैं इसी के ऊपर इसको कटिंग करके ले कर जा रही हूँ। ये देखें ये काट दिया। अब यहाँ से आप इसको ओपन कर दें ताकि 2 कलियाँ इकट्ठी कट जाएं, आपके लिए परेशानी भी ना हो और काम भी थोड़ा सा जल्दी निमट जाता है। ये देखें 2 कलियाँ मैंने काट लिया आपके सामने। ये कलियाँ हम हटा देंगे
अब अगली हम दो काटेंगे। ये देखें मैं आपके सामने कटिंग कर रही हूँ। जो पॉइंट मैंने लगाया है मैंने उन्हीं के ऊपर कटिंग करके लेके गई हूँ। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मैंने आपके सामने कटिंग किया। जो चीज़ आपको बताती हूँ वही चीज़ बताती हूँ आपको। और ये देखें कि अगली हम जो पीस है ये भी हम कटिंग करेंगे। इसको हम थोड़ा सा आगे ले आएंगे क्योंकि इतना लंबा हाथ जो है डालना कटिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये हमने कपड़ा आपस में मिला लिया सारा का सारा। कपड़े को हमेशा अच्छी तरह कॉन्फिडेंस से इक्वल कर लें ताकि आपको कोई डाउट ना रहे कि हमारे पास ये कपड़ा ऐसा है या कहीं से कोना निकल रहा है या कहीं से एक्स्ट्रा पीस निकल रहा है। ये देखें जो मैंने लाइन लगाई थी कलर चौक की वही मैं आपके सामने ये कटिंग करके लेके गई हूँ। ये देखें यानी कि हमने डबल पीस जो रखा है क्रिंकल पीस का इसमें से हमने कलियाँ काटी हैं दो चार चार पहले काटी है दो दो के हिसाब से और दो ये कट गई हमारे पास छः कलियाँ हो गई हैं। छः कलियाँ करने के बाद हमने फिर इनको कटिंग करना है। तकरीबन एक पीस में से हमारी तो तकरीबन 10 कलियाँ बन जाएंगी। ये देखें मैंने दो पर निशान लगाया आपके सामने और ये लगाया 10 पे लगा लिया। उसके बाद जो है इस पॉइंट को कमर वाले पॉइंट को नीचे घेर वाले पॉइंट से मिला दें और कलर चौक से आप निशान लगाते चले जाएं। उसके बाद हमने फिर क्या करना है यहाँ से हमने तकरीबन फिर 10 इंच लेना है। ये 10 इंच ले लिया। ये देखें नोक आ गई आपकी। हमने शुरू भी नोक से की थी और एंड भी हमने नोक से किया है और फिर हमने यहाँ से 2 इंच पर निशान लगाया। ये देखें 2 इंच पर निशान मैंने लगाया आपके सामने अभी और इस नोक को कोने को आपने इससे मिला देना। हमारी ये दो जो कलियाँ हैं दो दो पीस करके ये चार कलियाँ हमारी और निकल जाएंगी। तो ये हमारी फ्रंट की कलियाँ आई हैं सिर्फ अभी फ्रंट पीस काट रहा है हमने। तो इसी तरह आपने जो है जितना आपके पास कपड़ा अवेलेबल है आप उसके हिसाब से कलियाँ काटें। हमेशा याद रखें कि जो कलियों वाली फ़्राक होती है वो ज़्यादा कलियाँ हो तभी खूबसूरत लगती है। अगर कम कलियाँ डाल के आप फ्राक बनाएंगे तो उसकी शेप खूबसूरत नहीं लगती और मज़ा नहीं देती। खुद भी सिलाई करने वाले जो बंदे होते हैं आपको उनके बारे में आपको पता ही है। आप खुद जो सिलाई करने वाले लोग हैं आपको खूब अच्छी तरह पता होगा कि हमेशा चीज़ जो है वो ज़्यादा चीज़ जितना गुड़ डाला जाए ना उतनी चाय मीठी होती है आपको पता ही है। तो फिर उसके हिसाब से जो है ना करना पड़ता है। मैंने अभी आपको बताया कि एक अगर आपने लेडीज़ फ्राक तैयार करनी है तो उसके ऊपर तकरीबन आपको 2 सूट का कपड़ा हर सूरत में लगेगा। तो ये देखें कि ये मैंने कलियाँ काट ली हैं ये दो चार दो दो करके काटी हैं अभी आपके सामने। ये देखें 2 6 2 8 और ये 10 यानी कि हमारे एक पीस में से 10 कलियाँ कटी हैं। ये सिर्फ हमने फ्रंट जो है निकाला है। अभी हमने बैक जो है दूसरे पीस में से हम बैक कलियाँ इसी तरह 10 निकालेंगे यानी कि फ्रंट में भी 10 और बैक में भी 10 20 कलियों वाली फ्राक बनाएंगे हम। छोटी बच्ची की फ्राकें आपको पता है कि ज़्यादा कलियाँ हों तो ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं फ्राकें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी कलियाँ काटने का तरीका जो है खूब अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जो बड़ी कलियाँ हैं वो भी मैं आपको काटना बताऊँगी। तो ये दरअसल नगों में काम है सारा का सारा। तो इसको जैसे कैंची से काटो ना तो इस तरह जो है ये कैंची की जो धार होती है ना ये जो ब्लेड होते हैं ये भी बैठ जाते हैं तो लिहाजा बड़े एहतियात से इनको काटना पड़ता है। तो आप भी कॉन्फिडेंस से कटिंग करिएगा और इंशाल्लाह मैं आपको जो है बड़ी वाली कलियाँ जो लेडीज़ कलियाँ दो सूटों में जो कलियाँ बनती हैं वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगी। तो आप मेरा चैनल ज़रूर जो पहली वीडियो है उनको भी देखा करें लोगों के साथ भी भलाई किया करें। हमेशा याद रखें कि कर भला सो हो भला। तो सब के साथ भलाई करनी चाहिए। अच्छी से अच्छी वीडियो डालती हूँ आप लोगों के नॉलेज में इजाफा करने के लिए। तो आप इंशाल्लाह आप ज़रूर मेरी पहली वाली जो वीडियो है उनको खूब अच्छी तरह देखा करें समझ लिया करें। हर चीज़ आपको उसके वीडियो के अंदर मिलेगी। मैं वक्त से कोई ना कोई चीज़ आपके लिए डालती रहती हूँ ताकि जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती रहे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी मैं आपको अच्छी से अच्छी जो है मैं मालूमात फराहम करूँगी। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएँ और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको ये कलियाँ काटनी समझ में आई हैं या नहीं। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।